एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फोर, एंड द चैप्टर नेम इज अनीता एंड द हनी बीज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैच द फॉलोइंग। अनीता खुशवाहा, जो अनीता खुशवाहा है वो है क्या है, एक वो एक गर्ल स्टार है। नेक्स्ट हमारा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट में है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा बिहार स्टेट में है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, जो ये एक्ट है ये 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। हनी बी अट्रैक्टेड, जो मधुमक्खियाँ होती है वो किस तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो जो हनी बीज होती है वो लीची फ्लावर की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ईच बॉक्स कॉस्ट, जो अनीता ने जो बॉक्स खरीदे थे उस बॉक्स की, एक बॉक्स की कीमत कितनी थी, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। बीज फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। नेक्स्ट हमारा है मेल बी, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो बी हाइव होता है, उसमें जो मेल बीज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ड्रोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंट हैव सिक्स लेग्स, जो आंट्स होती है क्या उनकी सिक्स लेग होती है, तो ये हमारा सही है, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा है वर्कर बी लेज एग इन हाइव, जो मधुमक्खी के छत्ते में जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है क्या वो अंडे देती है, तो ये हमारा गलत है, फॉल्स, क्योंकि जो क्वीन बी होती है वही एग लेज करती है। नेक्स्ट हमारा है लीची ट्री कम्स टू फ्लावर इन द मंथ ऑफ मे, जो लीची का पेड़ होता है उस पर फ्लावर कब आते हैं, उस पर मई के महीने में फूल आते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। जो लीची का पेड़ होता है उस पर जो फ्लावर आते हैं वो फेब के महीने में आते हैं, फरवरी में आते हैं। मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, जो मधुमक्खी के छत्ते में, जो हाइव में जो मेल बीज रहती है उनका कोई स्पेशल काम नहीं होता है, तो ये हमारा ट्रू है, जो मेल बीज होती है उनका कोई खास काम नहीं होता है। फोर इटेबल्स अट्रैक्ट आंट्स, जो खट्टी चीज़ें होती है उनकी तरफ जो आंट है वो अट्रैक्ट होती है, तो ये हमारा फॉल्स है, नहीं, जो आंट होती है वो मीठी चीज़ों की तरफ, जो कि स्वीट होती है लाइक शुगर हनी, इस तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अनीता खुशवाहा लिव्ड इन द बोचाहा विलेज, जो अनीता खुशवाहा थी वो बोचाहा गाँव में रहती थी, तो ये हमारा सही है, ये हमारा ट्रू है। अनीता लर्न टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल सीक्रेटली, अनीता थी जिसने अनीता ने जो बाइक चलाना सीखा था वो सीक्रेटली सीखा था, तो यस, ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, फर्स्ट हम रीड करते हैं। द डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी बी होती है, तो जो हमारी वर्कर बीज होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हाइव में, क्योंकि वही जो मधुमक्खियाँ हैं वो खाना इकट्ठा करती है और वही जो उस छत्ते का जो निर्माण करती है, हाइव को भी वही बनाती है, और जो फूलों से जो रस जो कलेक्ट करती है वो भी वर्कर बीज ही करती है। नेक्स्ट हमारा है द डैश आंट लेज द एग, कौन सी जो चींटियाँ होती है वो अंडे देती है, तो जो हमारी क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। डैश टू डैश हनी बीज ले देयर एग, मतलब किस महीने से किस महीने तक जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है वो अंडे देती है, तो ये हमारा, ये वो अक्टूबर से दिसंबर तक जो हनी बीज होती है वो अंडे देती है। नेक्स्ट हमारा है द डैश इज द साउंड ऑफ हनी बी, हनी बी की कौन सी साउंड होती है, हनी बी की साउंड होती है बज। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू, हर एक बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो उसे फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो किस क्लास तक मिल सकती है, तो वो हमारी होती है एट्थ क्लास तक। एट्थ क्लास तक जो बच्चा होता है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होती है, और हर एक बच्चे का राइट है कि वो 6 से 14 साल तक
वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले सकता है। लास्ट है हमारा, हनी यूज टू बी डैश केजी इन अनीता विलेज। जो शहद था उसका मूल्य अनीता के गांव में क्या था? तो जो हनी का जो प्राइस था वो अनीता के विलेज में था 35 रुपीज पर केजी इन अनीता विलेज। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स ऑल्सो। हमें जो ये वर्ड्स है इन्हें आगे पीछे करके पूरा मिक्स करके इन्हें लिखा हुआ है हमें इनकी। फर्स्ट है हमारा, मैंने जैसे इस वर्ड को स्क्रैम्बल करके लिखा हुआ है, आपको इसे अनस्क्रैम्बल करना, आपको इसे राइट लिख के उसका मीनिंग लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा हनी बी, हनी बी क्या होता है? मधुमक्खी। सेकंड है हमारा सिरप, सिरप क्या होता है? चाशनी। जो चाशनी होती है वो शुगर से बनाई जाती है, चीनी से बनाते हैं। आगे था हमारा बी हाइव, बी हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। स्वेलन, स्वेलन होता है सूजन, जैसे हम बोलते हैं ना स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो होता है स्वेलन, सूजन। नेक्स्ट हमारे इसमें नेक्टर, नेक्टर होता है फूलों का रस जिसे मधुमक्खी इकट्ठा करती है और उसी की हेल्प से वो शहद बनाती है। नेक्स्ट हमारा टर्माइट्स, टर्माइट्स होता है दीमक। नेक्स्ट हमारा वास्प्स, वास्प्स क्या होता है? ततैया, एक येलो येलो कलर का आपने अपने आसपास भी देखा होगा, वो होता है हमारा वास्प्स। नेक्स्ट हमारा स्टंक, स्टंक होता है डंक मारना, स्टंक होता है हमारा डंक मारना। और एक होता है स्टिंग, स्टिंग होता है जैसे आपका ये ततैया है या फिर आपकी जो मधुमक्खी है उसका जो डंक होता है उसको बोलते हैं स्टिंग, और जब वो स्टिंग हमें मार देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टंग, डंक मारना। पिप्ड, पिप्ड होता है झांकना। होलसेलर, होलसेलर क्या होता है हमारा? थोक विक्रेता, जो कि बहुत सारी चीज़ जिसके पास बहुत सारा माल अपने स्टॉक में रखता है, एक गोदाम टाइप जगह में अपने बहुत सारे माल को वो रखता है और बहुत ही लो प्राइस पर उन्हें मार्केट में निकालता है। मैंने इस वर्कशीट को 2 पार्ट्स में बनाया है क्योंकि अगर एक पार्ट में ही मैं पूरी वर्कशीट आपको देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, और जो ये चैप्टर है हमारे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट आज आपको मिल गया है, सेकंड पार्ट मैं कल इसका अपलोड करूंगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।